है मौलाई जसरफ से मुझे याद आया, हमारी प्यारी बच्ची जो है वो उनको हमने बुलाया था, वो आ गई है राहिला साहिबा, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग अपने काम छोड़कर यहाँ आए। तो एक ए मौलाई जसरफ के हजूर नाप जरूर होनी चाहिए इससे पहले कि हम अपने जो इसके सदर साहब हैं उनकी तरफ जाइए। तशरीफ लाती हैं मोहतरमा राहिला साहिबा, यहीं करम की बदौलत बड़ा हूँ, उनके टुकड़ों से एहसास पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ, उनके टुकड़ों से किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ, उनके टुकड़ों से एहसास पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। देखता हूँ जब उनकी अताएं, भूल जाती हूँ अपनी हताएं, देखता हूँ जब उनकी अताएं, भूल जाती हूँ अपनी दामनत से उठता नहीं है, जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ, सरन दामत से उठता नहीं है, जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ, उनके टुकड़ों से एहसास पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उनके करम की बदौलत बड़ा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो हमारे फौरी तौर पर हालात हाजरा के मुताबिक हम प्रोग्राम करते हैं, और अक्सर लोग दुनिया भर से, डेनमार्क की भी मैं बात इसलिए नहीं कर रही कि ये संजीदा प्रोग्राम जो है अभी इनको यहाँ पे जगह बनाने के लिए वक्त लगेगा। तो अभी मैं देख रही थी और मुझे मैसेज आ रहे थे कि आप लोगों ने इतने कम वक्त में बताया, हमें बताया नहीं हम आ सकते थे इंग्लैंड से भी, तो मैं अभी उन्हीं के लिए जवाब देने लगी हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये टीवी लिंक सहारा न्यूज़ इंटरनेशनल
और विमेन इन फोकस, और ये इनकी मोहब्बत है, मेहरबानी है कि ये हमें हमेशा हमारी जो विमेन इन फोकस है उनको साथ खड़े होते हैं, उनको आगे लाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये ऐसी एक तंजीम है जो खवातीन के ही हर तरह से इसकी फाउंडेशन खवातीन ने रखी, इसके प्रोग्राम हम खुद सेट करते हैं, इसके मेहमान हम खुद बुलाते हैं। अभी जो हमारी पिछली कॉन्फ्रेंस थी मिलाद कॉन्फ्रेंस, माशाल्लाह उसकी गूंज अभी तक कायम है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, टीवी लिंक का भी और सहारा इंटरनेशनल का भी और हमारी खवातीन का भी। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो आज हो रही है बात, उसमें रुखसाना अली यहाँ पर मौजूद हैं और माशाल्लाह इनका डैनो उर्दू पे बहुत काम है, ये डैनिश और उर्दू के लिए बहुत, और मैं ये बताती चलूँ कि ये इतनी इसमें मेहनत करती हैं कि कभी किसी बात से झिझक नहीं आई, कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा उर्दू का या कुछ, तो वो पूछ लेती हैं। एक दफ़ा मैंने इनसे यूके में बैठे प्रोग्राम कर रही थी, तो मैंने बना कर लिखा कि फलां काम ये करेगा, और रुखसाना साहबा जो है आकर मैं स्पासनामा पेश करेंगी। अब परेशानी होगी, सदर स्पासनामा खरीदना कहाँ से है? मैंने कहा किसी से पूछ लो ना, कहा हमें भी मैंने कहा शुक्रिया कहना है। तो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे यूनिवर्सिटी में, वो हंस हंस के पागल हो रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हमारी खवातीन को देखें कि वो स्ट्रगल करती हैं, वो मेहनत करती हैं घर बार को छोड़ के बच्चों को। तो मैं रुखसाना साहिबा को इसलिए भी यहाँ पे आने की दावत दूंगी कि जो आज यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है उसके हवाले से बात करें, जो यूरोप में आवाज़ें उठ रही हैं, हमारे यहाँ दुनिया भर में ये देखा जा रहा है कि ठीक है अलामा इकबाल ने जिस ज़माने में फ्रांग को और इनको जिंदारियों को और फ्रांसिस को ललकारा था, वो एक और वक्त था, लेकिन आज इंसानियत जिंदा है। अभी थोड़ी देर बाद हम इंशाल्लाह जो हमारे सदर साहब हैं वो पीस के हवाले से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड पीस उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बीच में भी मैंने इन फोकस की भी नुमाइंदगी हो, जैसे कि अभी मोहतरमा रहीला साहबा ने की, अभी मोहतरमा रुखसाना साहबा करेंगी, कि वो बताएंगी कि यूरोप में किस तरह आवाज़ें उठ रही हैं। तशरीफ आती है मोहतरमा रुखसाना अली। बहुत शुक्रिया सदर साहबा, हमने बड़े शॉर्ट नोटिस में बुलाया, तो शॉर्ट नोटिस में जो है ये मैं बात कर रही हूँ। असल में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर जब हम देखते हैं यूरोपियंस को, यूरोप में हम देखते हैं किस तरह से जब यूक्रेन में वॉर हुई थी तो पूरा यूरोप इकट्ठा हो गया था, हर बंदा उठ गया था, हर घर के दरवाजे खुल गए थे कि कोई भी यूक्रेन से आ रहा बंदा उन्होंने अपने घरों में रखा था लोगों को कि नहीं हमारे घर में आए। हर मुल्क की पॉलिसी चेंज हो गई थी कि यूक्रेन से जो बंदा आता है, जो आके यहाँ पे पनाह मांगता है, उसको जॉब दी जाती थी, उसको बल्कि पूरी पूरी मदद दी जाती थी यहाँ पे। अब ये देखें कि अब डेनमार्क जैसे कंट्री छोटा सा मुल्क है, यहाँ पे आप जॉब के लिए जाएँ कहीं भी जाएँ, सबसे पहले कहते हैं आपको डैनिश आती है कि नहीं, डैनिश के बिना आपको कहीं पर भी जॉब नहीं मिल सकती। लेकिन जो यूक्रेन से लोग आए थे उनके लिए जॉब खुल गई, आप बच्चों के जो कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर उन्होंने जॉब्स खोली थी, आप ये जो ओल्ड होम्स हैं वहाँ पे जॉब्स खोले, यानी कि हर जगह पे यूक्रेन के लिए उन्होंने दरवाजे खोले थे। और क्यों खोले थे? यूक्रेन में यूनाइटेड थी, ये पूरे यूरोप में यूनाइटेड थी कि नहीं ये हम अलहदा नहीं हैं, यूरोप यूक्रेन डेनमार्क से अलहदा नहीं, हर बंदा ये कहता है डेनमार्क से अलहदा, वो वहाँ पर ये मज़हब की बात नहीं है, वो ये सोचते हैं कि नहीं हमारा ये ईयू का हिस्सा है, बल्कि ईयू में उस वक्त ये देखें कि उस वक्त उसकी मतलब वो हिस्सा नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने रातों रात उसको पास किया था कि नहीं जब पास करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फायदे होंगे। तो ये जो लॉस है ना, जो जो क्या कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने वो चेंज की थी, क्योंकि जब ईयू के अंदर आते हैं तो वो फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट है, ईयू के बाहर लोग हैं उनके लिए डिफरेंट है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम इसमें से क्या सबक हासिल कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं हम। अभी मैं ये देख रही हूँ कि जैसे अभी मैं ये नहीं कहूँगी मुझे फ़लस्तीन के बारे में बहुत ज़्यादा इलम है, लेकिन जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, जहाँ तक मेरी समझ आई है, वो ये है कि हमारे यूरोप में जो हम यूनाइटी है वो मिडिल ईस्ट में यूनाइटी नहीं है। अगर आप देखें आज जो फ़लस्तीन के साथ है, वो आज से तो नहीं हो रहा ना, वो 1948 से हो रहा है। 1967 में जो इनकी वॉर हुई थी, जहाँ पे उन्होंने ये कब्जे किए थे, जो बेस्ट प्रोजेक्ट पूरा जैसे समझ लो, एक उन्होंने एक हिस्सा जिसमें थोड़ा सा हिस्सा जिसमें जैसे लांगल है जो हमारा एक आइलैंड है उसके बराबर 2.2 मिलियन वहाँ पे लोग रहते हैं फ़लस्तीन के जो लोग रहते हैं, उन्होंने उनको वहाँ पर जमा कर दिया और उसके बाहर उन्होंने लगा दिए फिक छोड़, यानी कि वो क्या कहते हैं उनको लोहे की जो राहें उनके जैसे बॉर्डर बना दी, हर जगह पर उन्होंने चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट यानी कि अगर आप फ़लस्तीन के हैं, अगर आपने बाहर निकलना है, आपने काम करने के लिए फॉर एग्जाम्पल जाना, एक ही मुल्क की बात हम कर रहे हैं, यानी कि आप सोच लें कि आप
कोपेनहेगन या आप वेस्टरब्रो से या आप आमा से आपने नर्वो आना है, उसमें पता नहीं 10 चेक पोस्ट आपकी आएंगे। तो फर्स्ट वो फर्स्ट ही न्यूक्लियस रहते हैं, न्यूक्लियस स्पेशल पास बनते थे। और ये कि अगर उन्हें जॉब करनी है तो उन्होंने हर जगह पर उनकी चेक पोस्ट होती है, वहाँ पर तब पास होती है। क्यों हम सब लोग ये क्यों देख रहे हैं, कितने सालों से देख रहे हैं? वही ये तो वो जो उधर लोग रहते हैं उनको पता है ना। यहाँ जो मिडिल ईस्ट में आगे भी हम कहते हैं कि नहीं हम इस्लाम की बात नहीं, इस्लाम को छोड़े ना, ये सोचें कि हम आगे पीछे नेबर्स कंट्रीज कितनी है। एक मुल्क में इतना जुल्म हो रहा है, क्यों नहीं कोई आवाज़ उठा रहा? क्योंकि हर जैसे इन्होंने कहा कि हर बंदा आज़ाद नहीं है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद है, हम कहते हैं दूसरे कंट्री आज़ाद, कोई भी आज़ाद नहीं। क्योंकि हर बंदा डरता है, हर बंदे ने अपने जो पोलिटिकल लेवल पर उन्होंने लेना होती है, फाइनेंशियल जो सपोर्ट वो लेनी होती है। तो फिर वो सोचते हैं कि अच्छा हम अपना सोचें, अपनी जेब का सोचें, कहीं हम उन फलस्तीनियों के जिसका सोचें जिनके साथ ये सब जुल्म हो रहा है। तो मेरा मैसेज तो यही है कि हम सबको, मुझे बड़ी खुशी होती है आज मैं देखती हूँ कि जैसे ये आपने कॉन्फ्रेंस सब ने ये अरेंज किया, और इसी तरह जब ये देखती हूँ कि हर दूसरे दिन कोपेनहेगन पूरे यूरोप में लोग खड़े हो गए। मैं यूके में, बल्कि उन्होंने जो यूके की जो पार्लियामेंट है, जो उनकी पावर है, उन्होंने ये कहा हुआ था, मैसेज दिया हुआ था कि अगर कोई फलस्तीन के लिए करेगा डेमोन्स्ट्रेशन तो वो उसको बंद कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया खड़ी हुई है और वहाँ की जो पावर है उन्होंने वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये आज जो हर जो नई जनरेशन में ये जोश पैदा हो रहा है, ये हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि इस वक्त जो ज़रूरत है वो पीस की ज़रूरत है, कि हमें लड़ाई और जंग से, अब उन्होंने एक स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये है कि उन्होंने एक मैसेज की, एक आवाज़ उठाई कि हमारी मदद करो। और अब जो हम सबका ये हक बनता है, हमारा फ़र्ज बनता है सबका मिलकर, कि हम उठें और उनके लिए कुछ करें, उनके लिए पीस के लिए कुछ करें। और ये जितनी डेमोन्स्ट्रेशंस हैं या जितनी ये अरेंजमेंट्स हो रही हैं, जितनी ये फंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, ये एक तरीका, हम हर इंसान थोड़ी थोड़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये जब हर जगह से थोड़ी थोड़ी उठेगी मदद, ये जो पॉलिटिकल लेवल आजकल तो सोशल मीडिया पर जब ये आवाज़ उठती है तो बहुत पावरफुल होती है। तो मैं तो बस ये कहूँगी कि हम ये दुआ कर सकते, हर बंदा अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सके करे। और ये है कि उनके लिए, फलस्तीन के लिए उम्मीद करते हैं कि वो उनका उसके उनको आज़ादी मिले, सही आज़ादी मिले। और ये भी कहूँगी कि हमारे पाकिस्तान को भी आज़ादी मिले, और जितने वहाँ पे इस्लामिक या मिडिल ईस्ट में लोग हैं, मुल्क हैं, उनको आज़ादी मिले। बहुत बहुत